आज है एक व्लॉग एंड आपने देख लिया व्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं, जो क्रिसमस ट्री को सजाया था इतनी देर लगा के, जिसका मैंने व्लॉग शेयर किया था, आज मैं उसकी जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे सबको निकाल रही थी। एंड क्योंकि एक तो यार वो गंदे भी हो रहे थे एंड प्लस ना प्लांट की क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं ओरिजिनल प्लांट है एंड वहाँ पे ना लाइट वगैरह लगाई थी, कोड लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा ना डर लगता था जब भी यू नो पानी वगैरह डाले, तो कई बार आरव भी वहाँ से ना टॉफीज वगैरह निकाल निकाल के खाता था। ये सारे प्लांट की टॉफीज उसने ही तो खाई है, आखिरी की दो बच गई थी, एक रख ली, एक मैंने अभी खाई है, बस सारी उसी ने खाई है। तो बस अब मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करूँगी एंड साथ साथ मैं मशीन लगाई हुई है, तो बस यही सारा काम कर रही हूँ। एंड या आज एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, मेरे बचपन की चाइल्डहुड मेमोरी है, तो थोड़ी देर में आपको वो भी पता लग जाएगी वो क्या है। तो फटाफट से यार मेरे मशीन के कपड़े हो चुके हैं, तो पहले मैं उनको वो करूँ, उसके बाद फिर मतलब और कपड़े डालू एंड उसको मैं रेंज करने के लिए डालूँ, तो फिर मिलते हैं ना। मशीन में मैंने अपने कपड़े डाल लिए एंड रियली सॉरी अगर आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, तो रियली सॉरी क्योंकि यार मेरा काम चल रहा है साथ साथ में। एंड एक और चीज़ है, अभी यार मेरा एलोवेरा का प्लांट था, एक गमले में छोटा सा एलोवेरा लगाया था बेचारा, चार छः एलोवेरा उसमें से निकल गई, इतने बड़े बड़े प्लांट, तो दो को तो ऑलरेडी मैं ट्रांसफ़र कर चुकी, मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर कर दिया था, दो को मैंने अभी ट्रांसफ़र किया था, बस मैंने उसका शूट नहीं किया था, बेचारा अपने आप ही गिर गया। क्योंकि होता है ना, आप जिनको पता होगा कि एलोवेरा एक लगाओगे तो उसके साथ साथ कितनी सारी जड़ बाहर आ जाती है, तो दो को मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो थोड़ा सा ना मिट्टी होगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से बस क्लीनिंग करूँगी। एंड या ये रहे क्रिसमस के जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, इनको साफ कर दिया है, संभाल लिया, अगले साल काम आ जाएंगे भैया, 300-400 रुपये के थे, तो अगले साल थोड़ा सा फिर से इनको लगा दूँगी मैं, और क्या। एंड यार मैं पेंट लेके आ गई, मैं शोर में जा रही थी ना इतने टाइम से, कि मैंने अपने सारे गमलों को पेंट करना, मतलब जो भी फ्लावर पॉट्स हैं सबको पेंट करना, तो मैं कौन सा पेंट लेके आ रही हूँ दिखाती हूँ आपको। ओके ये देखो ये वाला पेंट, आई डोंट नो अबाउट द ब्रांड एंड ऑल दैट, भैया ने बोला ये अच्छा है, ये है ब्रिटिश पेंट करके कुछ है, श्रृंगार एडवांस एक्सटीरियर इमल्शन करके समथिंग, बेल बज गई, लेट मी सी, कहीं मेरा ही ना कोई पार्सल घुस हो, रुको आप, मेरा पार्सल नहीं था। ओके तो ये है पेंट, अब इसके साथ मैं अपने सारे गमलों को पेंट करूँगी, लेकिन आज के ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी एंड अभी फ़िलहाल करूँगी मेरी पेंट, क्योंकि कुछ दिन अभी मेरे को ना, एक दो दिन अभी टाइम नहीं है, दो तीन दिन अभी मेरे को टाइम नहीं है, तो क्योंकि आप सबको पता है यार इतने सारे गमले हैं, बहुत टाइम लगेगा, बट एक बार अगर मैं शुरू हो गई ना, मैं भी संडे देखूँ यार, संडे को है ना कोई टेंशन होती। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि आरव मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बेटा स्कूल चला गया बेचारा नहीं मैं बोलूँगी, बट ना इतने दिन की जब छुट्टियाँ होती है ना, तो बच्चों का हाल पता है क्या होता है, कि अब सब जानते हो यार, सबके बच्चे आप सब भी जानते हो कि थोड़ा सा वो कोजी सा हो जाते हैं घर पे, ज़्यादा ही ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो पहले दिन तो उसको बड़ा वो लगा था कि नहीं मम्मा स्कूल क्यों खुल गया, अभी तो छुट्टियाँ हुई हैं, तो सेकेंड डे से वो नॉर्मल हो गया, फिर तो बस आज उसका सेकेंड डे था, तो वो बड़ा नॉर्मल से आराम से चला गया स्कूल में। जब पेंट करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों के इंटरेस्ट होता है, अच्छा लगता है आपको ब्लॉग्स मेरे। एंड यार जो मेरे घर पे जो मैं करती हूँ जनरली वही करूँगी, मैं एक्स्ट्रा तो कहाँ से मैं एवं प्रिटेंड कर करके ब्लॉग्स लेके आऊँ, जो जनरल लाइफ होती है वही दिखाऊँगी। एंड ये एक और लेके आई थी मैं ब्राउन कलर का पेंट, थोड़ा सा ना जहाँ पे मेरी वो है ना किचन की खिड़की है, वहाँ पे ना कुछ पेंट वगैरह नहीं किया हुआ था, तो मेरा मन था कि मैं वहाँ पे इसको लगा दूँगी ब्राउन वाले को, तो थोड़ा अच्छा ना सारा हो जाएगा, सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करूँ, तो जो भी करूँगी यार आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगी। एशियन पेंट्स का कोई ब्राउन कलर का पेंट है, बस यही दो चीज़ें हैं। एंड अब मैं वेट कर रही हूँ आरव आए, क्योंकि है तो यार वो मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी, ठीक है मेरे मशीन के कपड़े पे भी वैसे तो है, तो यार मेरे बचपन की यू नो मेमोरी, लेकिन आरव के लिए एक बहुत यू नो प्यारा सा टॉय होगा, डेफिनेटली उसको पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने उसको दिखाया था ना जब अमेजन पे, तो वो तभी एक्साइटेड हो गया था, ओहो मुझे चाहिए ये वो, तो फिर साथ साथ में मुझे भी थोड़ा सा लालच था कि चलो यार मेरे पास भी कुछ ऐसा टॉय, बोले यार टॉय क्या, मेरे पास भी मेरे बचपन की मेमोरी आ जाएगी दोबारा से। एंड बताऊँगी मैं उसका क्या हुआ था, मेरे भाई ने तोड़ दिया था, चलो
अरब खाने दो, बट उससे पहले मैं यार अरब खाने से पहले पहले मैं थोड़ा यहाँ से ना झाड़ू लगा दूँ। वैसे तो आंटी कर की हुई है काम अंदर का, बाहर का नहीं आज करवाया क्योंकि आज मैं मशीन लगाई होती है ना बीच में पानी, बीच में झाड़ू अच्छा नहीं होता, गीला हो जाता है। चलो यार फटाफट से क्लीन कर ले। बोल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज मम्मा जियार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? ओके, आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हो आरव के हाथ में अमेज़न का पार्सल पड़ा हुआ है एंड आई एम नॉट श्योर अमेज़न ओके आई एम नॉट श्योर कि अमेज़न का पार्सल आपको ये लिखा हुआ सही नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैं अपने नए वाले फ़ोन से वन प्लस सिक्स टी से फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। तो मुझे ना इसके अभी सेटिंग्स सुटिंग इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट इसने जिद की थी कि मम्मा नए वाले फोन से शूट करो। ओके, अब इस पार्सल में है क्या? इट्स माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मैंने आपको ये लिखा हुआ है। तो मैं यार बचपन में ना मुझे किसी ने मेरे अंकल ने गिफ्ट किया था। बेटा बोलने दे, मुझे गिफ्ट किया था कुछ समथिंग, बहुत प्यारा सा टॉय था वो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉय था। लेकिन सुमित ने, मेरे ब्रदर ने यार, जब उसको थोड़ा सा प्लास पेचकस ना उसका थोड़ा सा शौक था, उसने उठा के उसको खोल दिया एंड वो दोबारा कभी पैक नहीं हुआ। ऑब्वियस किसी खिलौने को खोल दो तो कभी पैक नहीं होता। बट मेरा मन था मैं अमेजोन को अमेजोन बोल रही हूँ आर को कुछ यू नो कोई अच्छा न्यू ईयर पे कुछ अच्छा टॉय वगैरह लेके दो। अमेजोन पे स्क्रोल डाउन कर रही थी तो बाई चांस मुझे वो दिखा टॉय। Look at his excitement, he's so excited. तो मुझे वो टॉय दिखा, लेकिन उसमें दो ऑप्शंस थे, एक था डॉगी वाला, पॉ पेट्रोल वाले डॉगी थे एंड दूसरा था पेंगुइन वाला। मेरे पास था पेंगुइन में, बचपन में मेरे पास पेंगुइन वाले बोबले टॉयस थे, लेकिन आरव ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया एज यूजुअल। आप जानते हो इसको पॉ पेट्रोल ज्यादा पसंद है। बहुत हो गया इंट्रो पार्ट, तो चलो इसको ओपन अप करते। खोले आरव, ये अभी अभी स्कूल से आए, देख सकते हो यार इसने कैंची भी नहीं यूज करने दी। आरव क्या हो गया, पागल हो गया? Exactly, मुझे यही चीज कैप्चर करनी थी और इसकी एक्साइटमेंट दिखानी थी आप लोगों को, इस वजह से मैंने ये वाली वीडियो शूट की। एंड या बाय द वे ये वीडियो अनकट वर्जन होने वाली है, तो प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड करना।
आरव के साथ मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ अनकट वर्जन बनाती हूँ। ये है, ये आप देख सकते हो। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। मम्मा खोलो, खोलो इसे, मैं देखना है। बेटा उनको दिखाने दे, दो मिनट भाई दिखाने दे उनको। ये देख सकते हो आप, इसका थोड़े से नो, ये ऐसे सुपर जाते पेंगुइन सुपर जाते होते थे, जो मेरा वाला टॉय था उसमें। बेटा बोलने दे, नहीं तो मैं बंद कर दूं फिर वीडियो, बंद कर दूं। मेरे वाले जो टॉय था उसमें पेंगुइन सुपर जाते थे, बट आरम ने चूज किया मुझे पॉ पेट्रोल वाले चाहिए, मुझे डॉगीज सुपर जाने चाहिए मेरे, मतलब डॉगीज वाले उसको ये टॉय चाहिए था। चलो अब इसका थोड़ा सा आइडिया हमें, ये सारी एक्सेसरीज एंड डायग्राम वगैरह मिलेगा। और प्राइस इसका कितना है, प्राइस आई गेस 600 या 700 रुपीस था यार इसका। अमेजोन से लिया है एंड या खुद खरीदा अपने पैसों से, किसी ने भेजा नहीं है। 700 रुपीस समथिंग का है यार, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ इन्होंने, आई डोंट नो, मेरे पास नाम ही नहीं लिखा हुआ। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रीड ही कर दूं। सॉरी 600 रुपीस का है, 600 रुपीस मैं कह रही थी ना, 600 या 700 रुपीस का है। बहुत होगी बातें, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो इसके साथ एक क्लिक लेते हैं, क्लिक ले, क्लिक ले। चलो अब हमने इसके साथ एक दो फोटोज तो ले लिए एज यूजुअल, एंड चलो अब इसको ओपन अप करते हैं। एंड यार ऐसी वाली वीडियोस इसलिए शूट कर देती हूँ ना, थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है मेरे लिए भी, आरव के लिए भी। एंड हाँ बेटा यहाँ से खुलेगा। और अगर आप लोगों को ऐसा कोई टॉय पसंद आता है अपने बच्चों के लिए तो आप खरीद सकते हो, आपको इसके प्रोज कॉन्स एवरीथिंग आपको पता लग जाएगा। लास्ट टाइम मैंने अपने डॉगीज वाले जो दिखाए थे आरव के बर्थडे पे लेके दिए थे पॉ पेट्रोल वाले, वो भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी थी, देख सक लो। इसका मुंह देख लो, पागल हो गई मैं, मारूंगी तुझे फिर, ऐसे नहीं फाड़ना हर एक चीज, मैंने वापस कर देना फिर। बेटा आप खींचोगे, पता है क्या होता है, बाई चांस अगर मुझे इसको पैक करना हो, कुछ करना हो, तो मेरे पास इसका ये कार्डबोर्ड रहना चाहिए। हर एक चीज तोड़ देंगे तो उसको मैं स्टोर कहाँ करूंगी, इतनी सारी चीजों को स्लोली क्या करूँ, कोई भी चीज को आराम से किया, ठीक है। ये छोड़ो, बेटा तंग मत करो, सेल्ली नहीं है इसके अंदर, बट चलो वी कैन अरेंज दिस। यहाँ पे ना इसके सेल डलते हैं, मुझे इसको ओपन अप करना पड़ेगा ये स्क्रू ड्राइवर के साथ। एंड हाँ सेल नहीं डालो, सेल थोड़ा डाल के देंगे, तो चलो फिर पहले सेल लेके आते हैं इसके। ओके पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको मिल गया, ये बिल्कुल ऐसा ही था मेरा वाला टॉय। एंड हटो, ये स्लाइड्स, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, बेटा दिखाने दो पहले इनके साथ क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपको स्लाइड मिल जाएंगी, एंड फिर आपको ये क्यूटी क्यूटी से डॉगीज मिल जाएंगे, एंड ये एक दो चीजें मिल जाएंगी। पीछे इनके तीन डॉगी मिल रहे हैं आपको, हाँ, और ये पीछे नीचे इनके चक्के वगैरह लगे हुए हैं, स्टिकर्स भी आए हैं, स्टिकर्स है ये। हम सारा अरेंज करके आपको दिखाएंगे, ताकि अगर आपका कोई बच्चा है, अगर आप खरीदना चाहते हो ऐसी चीजों को, तो आप इसको डेफिनेटली खरीद लेना। एंड स्टिकर्स का क्या है कि आरव मुझे समझाने दे, मेकिंग अ वीडियो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सारा व्हाइट व्हाइट है, प्लेन प्लेन है, तो इसको डेकोरेट करने के लिए हम सारा ही ना इसको स्टिकर्स के साथ इसको पहले लगाएंगे एंड सारा सेटअप करेंगे। ओके अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रक्शंस की, तो नो नथिंग इज गिवन, कुछ और नहीं है, मुझे पता है क्या है भी नहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस, यार एक दो चीजें हैं जो लगानी है, बट चलो मैं पहले लेकिन सेल होना चाहिए पहले सेल। ओके अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इसको ये खोल रही हूँ, इसका थोड़ा सा जो पेज दिया हुआ है खोल लिया और गिर गया। चलो खा लिया मैंने, मैंने एक्चुअली चेक करना है कि इसके अंदर कौन से सेल डलेंगे और कितने वो सेल डलेंगे, तीन सेल डलेंगे। एंड कौन से वाले सेल है यार, रिमोट वाले सेल है, पेंसिल सेल है, ये थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ, आई गेस पेंसिल सेल है, लेट मी सी घर पे है कि नहीं। ओके अभी यार हमारे घर पे ना पेंसिल सेल थे नहीं, और दिमाग में था नहीं कि सेल नहीं है। आरव का दिमाग देखो, कहता है मेरी ट्रेन में पेंसिल सेल होंगी, मैं निकाल लूं इसके एक्साइटमेंट। ये आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जो मुझे शुरू से या वैसे फॉलो अप करते हैं आपको याद होगा कि हाँ बेटा बोलने दे वीडियो में, फिर मजा नहीं आता मुझे ऐसे वीडियो शूट करने का, बहुत बीच में बोल ही जाता फिर। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने ये वाली ट्रेन इसको अमृतसर में लेके दी थी,
तीन सेल निकल गए, मुझे नहीं लगता ये वाले डलेंगे बेटा। डलेंगे? ये मोटा वाला सेल लग रहा है मुझे। हाँ हाँ ये नहीं डल सकते। डल गए, डल गए, लेकिन मैंने सेल उल्टा डाल दिया। ओके आपको दिखा दूं मैं थोड़ा सा, यही वाले सेल डलेंगे जो आपके रिमोट वगैरह में डलते हैं। ठीक है यार, अनकट वर्जन होगा तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। मैं आरव के साथ चलो ये स्टार्ट तो होगी, म्यूजिक बजता है, यू कैन सी ऊपर नीचे जा रही है, देख सकते हो आप, छोड़ आ रहा हूँ इनको दिखाने देंगे, ऊपर नीचे जा रही है, लाइट्स भी आती है इसके अंदर, एंड 600 रुपीस में नॉट अ बैड ऑप्शन। मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है, आई जस्ट लव इट। चलो अब इसको सारा तैयार करते हैं बेटा, पीछे चलो, स्टिकर्स लगाने हैं, स्लाइड्स लगाने हैं, एंड और देखते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या लगेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हम लगाएंगे स्टिकर्स, एंड स्टिकर्स के लिए देखो ये कोई इंस्ट्रक्शंस तो दी नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, पूरी फोटो तैयार की हुई है इन्होंने, नीचे इन्होंने जेवला लगाना है, मतलब सारी फोटो बिल्कुल तैयार की हुई है, तो मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही देखूंगी एंड इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर आप बाई चांस अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो फिर फटाफट से मैं इसको लगा दूं क्योंकि ये मेरे से ज्यादा एक्साइटेड। ये रेड, ये ब्लू एंड ग्रीन को थोड़ा सा जॉइन करना, बाद में इस यहाँ पे इस पिन के अंदर ये जो भी है यार स्पेस के अंदर आप डालना। आप देख सकते हो पहले आप इसको जॉइन करना, ठीक है, फिर बाद में आप इसको यहाँ पे फंसाना। मैंने इसको पहले यहाँ पे फंसा दिया था इसलिए हो नहीं रहा था। एंड ये ऑरेंज एंड ब्लू अगर मैं आपको दिखा दूं, आई होप यू कैन सी, ये जो ब्रिज बनाया हुआ देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं ऑरेंज एंड ब्लू। मैं अलग अलग रख रही थी गैप, तो वो फिर अच्छी तरह से हो नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आपने बिल्कुल अंदर करोगे, जबरदस्ती मत करना, आराम से करोगे हो जाएगा, यहाँ पे भी आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये सारा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लैग्स लगाने हैं, तीन फ्लैग्स दिए हैं इसके साथ। और यही तो मैं कह रहा था फ्लैग, पहले बेटा ट्रैक तैयार करते तभी फ्लैग्स लगाते ना। ठीक है, अब आपने इसको खोलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, ठीक है ना बेटा। बहुत ब्यूटीफुल सा आपका टॉय बन गया है एंड मुझे बहुत पसंद आया। ओके, एक और चीज है इसमें, मैं आपको बताना भूल गई,
दो मिनट ऐसे आप करोगे म्यूजिक चलेगा, ठीक है। बट अगर कई बार ऐसा होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं इतना म्यूजिक चलता रहे, समझ रहे हो आप, कई बार नहीं होता कि बच्चा अपना खेलता रहे बट हमें मत तंग करे या कुछ भी ऐसा करे, उल्टा नहीं रखना बेटा डॉगी, सीधा रखना है यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गई, अपने आप ऊपर चढ़ते रहेंगे, गेम चलती रहेगी, लाइट ऑन रहेगी, आपको म्यूजिक से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। थ्री ऑप्शंस हैं, ऑफ हो जाएगा या फिर सिर्फ ये चलेगा या म्यूजिक के साथ चलेगा। ओके अभी समय मैं तीन नंबर ट्रैक पे डालूंगी, आई होप यू कैन ऑल कैन सी। थोड़ा सबको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, ओके आई होप अब आप लोग देख सकते होंगे, एंड मेरे आरफ की आप फेस की स्माइल भी आप देख सकते होंगे। बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करो, आरफ जल्दी जल्दी में ना अलमारी फटाफट से खोल के आ गया था। या ये थी डियर आज की अनबॉक्सिंग, एंड लुक एट हिज फेस, नोनू का मेरा फेस दिखा, दिखा अपना फेस, हैप्पी गिराया, इसको करनी है ना बेटा, अपने आप चला जाएगा, डाल दे, वो भी रुक गया। तो बस डियर यही है मेरा आज का व्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अभी सो बिजी डे वो बाय नहीं करेगा, बाय करेगा ओके कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, एंड क्या रे बच्चों के साथ ना छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को स्पेंड करने चाहिए, क्योंकि यार बाद में ये बड़े हो जाएंगे एंड फिर ये अपने आप लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। अब मेरे को होता है कि अब मैं खुद की अर्निंग करती हूँ ना, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करता है मैं आरब को दिलवा देती हूँ, लाइक सब जो मेरा मन करता है मैं इसको दिलवा देती हूँ। एंड ये मेरा वन ऑफ द मेरा ये चाइल्डहुड मेमोरी थी, आप पेंगुइन वाले थे, जाके चेक कर लेना अमेजन पे, एक पेंगुइन वाला ऑप्शन भी होगा इसमें, बट ही इज क्रेजी अबाउट द डॉग्स, वो कर रहे थे पेंगुइन लड़कियाँ लेती हैं, मैं तो डॉगीज वाला लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं पाओ पेट्रोल वाला लूंगा। चलो डियर ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना, एंड यार राइट नाउ आई एम लाइक फेयर फेस, कोई मेकअप नहीं था, मन नहीं कर रहा था बनने का, अभी क्या यार अब घर की वीडियो में क्या बंदा ये सब चीज़ें करके बैठ जाए, कौन सा ये ये वाली वीडियो थी, एंड बस यही थी आज की वीडियो, एंड चलो मैं लिंक डाल दूंगी आपको परचेज लिंक, आपका मन करेगा ले लेना, बाय द वे मैंने खुद लिया था, कोई किसी ने भेजा नहीं था, अगर किसी के दिमाग में ये भी बात आए तो, अपने बेटे के लिए लिया था, आप देख सकते हो उसको, आ रहा मजा आ रहा है, आप खुश हो, पर गाने की वजह से मैं बोर हो रहा हूं। अच्छा गाने की वजह से बोर, इरिटेट हो रहा है, इसको डर लग रहा है इसके पापा सो रहे कहीं, डांटे नहीं इसको। हां जी थैंक यू मम्मा, इसका मन था, मन इसका मन था मुझे थैंक यू बोली जा रहा था, थैंक यू। और एक बार मैं आपको चलाकर दिखाऊं, नो चलने दे यार, वीडियो बना रही हूँ, चलने दे, हैप्पी yes. जब मैं छोटी थी ना अरब, मेरे पास ना पेंगुइन वाले थे, इसमें सेम में ना पेंगुइन वाले थे, मुझे बहुत पसंद थे, और ये चढ़ चढ़ के स्लाइड करते थे, और फिर मेरे पास ऐसा खिलौना ही नहीं था, नहीं था नहीं था, लेकिन अब है, ये टू वन नंबर, ये टू, ये है थ्री, कितना एंजॉय कर रहा है, और आपके साथ साथ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ डॉगीज को, ये इसके अंदर अभी आ गया एक डॉगी,
ये टनल से जा अच्छा रहे, ये टनल है ओके टनल से जा रहे हैं जैसे ट्रेन वाला टनल होता ना वैसे। हाँ बाय बाय गदर बाय बाय।